अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था पिकनिक आइडियाज़ और पिकनिक स्नैक्स, उनकी रेसिपीज़, और मैंने मेंशन किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पिकनिक व्लॉग भी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमने स्टे कहाँ पे किया था, और अगर हमें स्टे करना पड़े तो उसके लिए हमें कौन कौन सी एसेंशियल थिंग्स हैं जो कि पैक करनी है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पिकनिक की बास्केट्स शेयर की थी, उनके अंदर मैंने जो क्रॉकरी रखी हुई है वो सब शेयर किया था, और ये मेरे पास आइस कूलर है जिसके अंदर मैंने वाटर बॉटल्स के अंदर भी आइस बना के रखी हुई थी, और ये आइस के ब्लॉक्स हैं जो कि मैं आइस कूलर के अंदर रखूँगी, और ये दो ब्लॉक्स मैंने इसके अंदर रखे हैं, और इसके अंदर मैं रखूँगी सम ऑफ द ईटेबल्स जो कि हमारे ख़राब ना हों, और ये मैंने इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन रखा है जो कि हमने बारबेक्यू करना था, और इसके अंदर चीज़ मैं रख लेती हूँ, और ये जो बॉटल्स हैं इनकी हाफ़ के अंदर आइस है और हाफ़ एम्प्टी है, तो इनके अंदर हम चाहें पानी ऐड कर सकते हैं, हम चाहें जूस ऐड कर सकते हैं, ड्रिंक्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आइस कूलर है इसके अंदर इंसुलेशन शीट लगी हुई है जिसकी वजह से इसके अंदर बर्फ़ जो है वो 8 से 10 घंटों तक मेल्ट नहीं होती, और अब ये मैंने फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं एक बॉक्स के अंदर, और ये भी मैं इसके अंदर रख दूँगी, और आइस की वजह से ये ठंडे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और इस बैग की जो बेस्ट क्वालिटी है कि इसका वेट बैग का अपना ज़्यादा वेट नहीं है, तो हम इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अकोमोडेट कर सकते हैं। और फिर हमने चूँकि स्टे करना था तो उसके लिए कुछ पैकिंग करनी थी, और मैंने क्विकली पैकिंग की थी, और हम वन नाइट स्टे के लिए जा रहे थे, और लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान बना था, तो ये मेरे पास बैग है जो कि मैं इसको एवरीवेयर आई कैन कैरी, और ये मेरा जो बैग के अंदर छोटा पाउच है, ये शूज़ का पाउच है, ये जो बैग है इसके अंदर मैं कपड़े रख लेती हूँ, तो ये बहुत लाइट वेट मेरा बैग है, और अगर मुझे आउट ऑफ कंट्री भी जाना हो तो आई कैन कैरी माय दिस बैग टू, और ये इसके ऊपर छोटे स्मॉल पॉकेट्स हैं, इनके अंदर भी चीज़ें इजीली आ जाती हैं, और यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने निकाल के रखी हुई थी, और मैंने मेंशन किया था कि मैं एक छोटी सी आयरन रख लेती हूँ अपने बैग के अंदर। वैसे तो मैं कपड़े प्रेस करके इस तरह से रखती हूँ बैग के अंदर कि उनकी प्रेसिंग ख़राब नहीं होती, बट इवन देन फोल्ड करने की वजह से अगर उनके ऊपर लाइंस भी आ जाती हैं तो हम आयरन के साथ निकाल सकते हैं। सो अब हम पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बैग है ना, ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ट्रैवलिंग ऑर्गेनाइज़र्स हैं, और इसके अंदर ये छोटा सा बैग है, बट इसके अंदर 4 सूट इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं। अब प्रेस हुआ हुआ सूट हम इसके अंदर जब रखते हैं तो इसकी प्रेसिंग भी ख़राब नहीं होती। वन नाइट स्टे था, बट मैंने अपने लिए 2 सूट्स रख लिए कि मुझे हो सकता है पहनना पड़ जाए, शायद जैसे कि मरियम भी मेरे साथ शेयर करती हैं, तो मरियम को अगर पहनने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने रख लिए 2 सूट्स, और एक सूट मैंने वो भी निकाल के रखा था जो कि मुझे पहन कर जाना था, तो उसकी भी मैंने सारी चीज़ें निकाल कर पहले से ही अरेंज करके रख ली थी। अच्छा, अब ये दूसरा बैग जो कि मैंने बताया था स्लीपर्स के लिए है, शूज़ के लिए है, और यहाँ पे मैंने ब्लू ड्रेस के साथ अपने ब्लू स्लीपर्स मैच किए हैं, और उनको मैंने रख लिया है, एंड पिंक के साथ पिंक स्लीपर्स मैच करके रख लिए हैं। अच्छा, इस बैग के अंदर इजीली शूज़ भी आ जाते हैं, और इन बैग्स के अंदर स्लीपर्स एंड शूज़ रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे कपड़े गंदे नहीं होते हैं, और मैंने अपना एक नाइट सूट रखा है जो कि कंफर्टेबल है, और बस मैं नाइट में ही उसको पहनती हूँ, इजी रहता है, और इसके अलावा मैंने एक ट्रैक सूट रखा था जिसके साथ जो है वो
शर्ट फुल स्लीव्स थी उसकी हुडी। तो चूँकि हम एक ऐसी जगह पे जाए थे कि जहाँ पे शाम में रात में ठंड हो जाती है तो हुडी की ज़रूरत पेश आती है, इसलिए मैंने एक ट्रैक सूट रखा। फिर ये मेरी छोटी सी आयरन है और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है बहुत यूज़फुल रहती है। और अब ये मेरा कॉस्मेटिक पाउच है जो कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, और इसके अंदर मैंने कुछ अपने मेकअप की चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ मेरी स्किन केयर की हैं, डे एंड नाइट क्रीम्स हैं, हैंड मॉइस्चराइजर्स हैं, मस्कारा है, लिप पेंसिल है, माय परफ्यूम, और ये छोटी छोटी जो सी जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर मैंने अपनी सारी क्रीम्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये बहुत यूज़फुल रहती हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा तो यूज़ करते भी नहीं हैं और इसके अंदर ना पूरे वीक की क्रीम्स आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेकअप ब्रशेस भी रखे हुए हैं जो कि छोटे साइज़ में हैं, और एक ब्रश जो ब्लश ऑन के लिए यूज़ होता है वो मैंने बड़ा रखा हुआ है, और वो भी इट्स नॉट सच अ बिग ब्रश, और मस्कारा भी है, और जो बेस मैंने रखी है ना उस बेस को भी मैं एक छोटी डब्बी में डाल लेती हूँ अगर मुझे और भी ज़्यादा स्मॉल करनी होती है। ये मेरा हेयर ब्रश है। अच्छा, पैकिंग अगर मुझे छोटे स्केल पे करनी है ना तो तब मैं ज़्यादा छोटी डब्बियाँ यूज़ करती हूँ, और मैंने पोनीज रखी हुई हैं, हेयर पिन्स हैं, और ये मेरा बहुत यूज़फुल मेकअप बैग है। और ये मेरा दूसरा बैग है जो जिसके अंदर मैंने अपनी टॉयलेट्रीज यूज़ की हुई हैं। अच्छा, ये मेरे दोनों बैग्स अगर मुझे एक कम अपना सामान कम करना है ना तो तब मैं इन दोनों में से कोई एक ही बैग यूज़ कर लेती हूँ जिसके अंदर मेरा सारा कॉस्मेटिक्स भी आ जाती हैं और टॉयलेट्रीज भी आ जाती हैं। तो चूँकि अब मेरे साथ फैमिली भी जा रही थी तो मैंने सबके लिए शैम्पू, कंडीशनर, माउथ वॉश, फेस वॉश, हैंड वॉश और क्लिनजिंग मिल्क एंड मेकअप रिमूविंग क्रीम, लोशन, परफ्यूम, सब चीज़ें, स्किन टोनर इवन के सब मैंने टॉयलेटरी की चीज़ें इसके अंदर रख ली थी सभी के लिए। अब और मैंने रोल ऑन रख लिया था। ओके, ये जो मेरे पाउचेस हैं ना, जो कॉस्मेटिक्स पाउचेस हैं या टॉयलेटरी पाउचेस हैं, ये मेरी फ्रेंड बनाती हैं, मैंने उनसे लिए हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उनकी वेबसाइट पे जाके परचेजिंग कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस बैग से रिलेटेड सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने रख दिए थे मेकअप के स्पॉन्जेस एंड मेकअप रिमूविंग वाइप्स रखे थे, और ये मैं छोटी अब बॉक्स के अंदर टूथपेस्ट भी रख रही हूँ क्योंकि हम बड़ी बड़ी ट्यूब्स एंड चीज़ें नहीं लेके जा सकते और फिर हमें हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये तो डोमेस्टिक, चूँकि ट्रैवलिंग के लिए मैंने चीज़ें रख ली हैं, अभी भी मैंने सामान थोड़ा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है। अगर हमें इंटरनेशनली ट्रैवलिंग करना होता है और प्लेन में जाना होता है ना तो तब हमें फिर और अपनी जो पैकिंग होती है उसको मिनिमाइज़ करना होता है। और ये जो मेरा बैग है ना, इसके साथ हुक लगा हुआ है एंड हम इसको टॉयलेटरी बैग को हैंग कर सकते हैं इजीली, और ये ओपन रहेगा एंड यू कैन यूज़ दैट। अब फिर मैं बैग में चीज़ें रखने की बारी आ गई, और ये जो मैंने जिसके अंदर अपने सूट्स रखे थे मैं फ़ोल्ड करके भी रख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे स्कैटर करके भी रख सकती हूँ। तो मैं आपको हर तरीके से करके बता रही थी कि हम किस तरह से स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने बैग के अंदर। और अब ये जो बैग है देखने में बहुत छोटा सा है, बट इसके अंदर जो क्लोथ्स ऑर्गेनाइज़र है, 4 सूट इजीली आ सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मैं ट्रैक सूट अपना रख रही हूँ, ये भी एक कंप्लीट सूट है। उसके अलावा मैं अपना नाइट सूट भी रखूँगी और फिर भी मेरे पास काफ़ी स्पेस बच जाएगी। ये मैंने बॉक्स रखा है ये वाला छोटा, इसके अंदर मेरी सारे इयररिंग्स हैं, रिंग्स हैं, मेरी ज्वेलरी है,
और अब ये जो बैग मैं रख रही हूँ ना, इसको टायर का मैंने इशारा किया है, टायर इस इट मीन्स मैं इसको इस तरीके से रखूँगी कि जब बैग खड़ा होगा ना तो जितनी टॉयलेटरी की बॉटल्स हैं, ट्यूब्स हैं, वो सब स्टैंडिंग पोजीशन में होंगी और फिर लीक होने की उनको हमें डर नहीं होता। लेकिन वैसे तो मेरी जितनी भी टॉयलेटरी की चीज़ें और जितनी भी ट्यूब्स थी, बॉटल्स थी, उनके ऊपर लॉक्स हैं, बट फिर भी सेफ्टी में रखती हूँ। मैंने शूज़ भी रख दिए हैं सबके मैचिंग, मैंने शूज़ रखे थे अपने क्लोथ्स की, और जाते हुए मैं जॉगर्स शूज़ पहन के जाऊँगी और जाते साथ में मैं चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने पावर बैंक रखा है क्योंकि सबके फ़ोन्स की बैटरीज लो हो जाती हैं और फिर चार्जिंग केबल्स हैं दूसरे पाउच में। मैंने अपना फेस टॉवल रखा है और एक और छोटा सा टॉवल रख लेती हूँ। फिर मैंने अपना स्ट्रेटनर रखा है, मैं हेयर ड्रायर भी रख लेती हूँ। अच्छा, पिकनिक्स और रोड ट्रिप्स और ट्रैवलिंग के लिए स्यूइंग बॉक्स और फर्स्ट एड किट भी मैं ज़रूर रखती हूँ साथ में। और यहाँ पे शूज़ भी मैंने दिखाए हैं जो कि मैं पहन कर जाऊँगी। और अच्छा, मैं डिटेल में चीज़ें दिखाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो ऑफ कोर्स लंबी होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ख़ुद भी अगर मुझे कोई वीडियो देखनी होती है तो मुझे उसकी डिटेल्स अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं डिटेल बना देती हूँ। एनी हाउ, अब हम यहाँ पे जा रहे थे और हमारे यहाँ तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी मगर मौसम अच्छा हो रहा था, तो हम जा रहे थे मरी की तरफ। और अब कुछ कुछ मरी में एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे के गर्मी होती है, बट इवन देन हमारे यहाँ की गर्मी से कम ही गर्मी होती है। इतनी खूबसूरती थी सुबह सुबह के टाइम में, हर एक एरिया इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, ग्रीनरी, पहाड़, नेचर। मैं आपके साथ सारा रास्ता इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप ही इसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब जब हम मरी जा रहे होते हैं ना तो मरी के रास्ते में बच्चे आते हैं कुछ चीज़ें सेल करने के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और जब मैं वीडियो भी बना रही थी और कुछ बच्चे आए, तो अब तो हर एक को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो अभी आप देखिएगा कि क्या होता है। मैम का दिल है, हाँ मेरे दुआओं से, दिल की गहराइयों से आपको मरी शिफा में हो और मैम कुछ इनाम तो दे। अच्छा, आप यहाँ पे ये बच्चा खोपरा बेच रहा था और मैं वीडियो बना रही थी और ही स्टार्टेड स्पीकिंग और उसको पता था कि मैं वीडियो में आऊँगा। सो यहाँ पे कुछ बच्चे फ्लावर्स बेचने के लिए आए और चूँकि ट्रैफिक जब आता है, गाड़ी रुकती है, तो कुछ बच्चे आते हैं डिफरेंट चीज़ें बेचने के लिए, तो हम कुछ बाय भी करते हैं। और अब हमने मरी के रास्ते में भी देखा कि एक बच्चा गेटअप करके खड़ा था, और जो कि हम देखते थे कि दूसरी कंट्रीज़ में इस तरह से लोगों ने गेटअप किया होता था, वो कुछ मूव्स करके दिखाते थे। तो अब हमारी कंट्री में भी मैंने इस्लामाबाद में बहुत बार देखा था ऐसे गेटअप्स के साथ, बट जब मैंने मरी में देखा तो आई बिकेम सरप्राइज कि अच्छा अब वहाँ पे भी था। सो हमारी मरी की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। और गर्मियाँ हमारी यहाँ इस्लामाबाद में शदीद गर्मी होती है और वहाँ पे ऐसे फॉग होती है और ठंडी ठंडी सी, मुझे लगता है कि बस जो ये ठंड है ना, ये हमें वो नज़र आ रही होती है ठंड, जैसे हम फ्रिज को ओपन करते हैं ना और एकदम से एक वो फ्रीजिंग एयर बाहर आती है, मरी में वैसी वो एक हवा होती है जो कि बहुत ही प्लेजेंट लगती है। सो अब यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था और मैं हर एक चीज़ को कैप्चर कर रही थी। कुछ देर के बाद हम लोग वहाँ पे रुके भी थे और हमने पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, और आप देखेंगे जैसे कितनी ग्रीनरी थी और फॉग के साथ और कितना ट्रीज़ कवर्ड थे और मौसम बहुत मज़े का और ठंडा हो रहा था। वहाँ पे भुट्टा बेचने वाला था, एक छोटा सा खोखा सा था, जो छल्ली होती है ना जिसको पकाते हैं वो,
वो छली ली मोहित ने, और मैंने तो मौसम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी थी और मैं उसको कैप्चर करी थी और मैं चाहती थी कि फुल ऑन आपके साथ शेयर करूँ। और ये जिस जगह पे हम रुके थे ना, काफ़ी डीप थी इसकी बैक साइड पे जगह, और मोहित वॉज गेटिंग अफ्रेड। और अब चूँकि हम जब घर से निकले थे तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और बच्चों को ना भूख भी लग रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद हमने एक बहुत ही अच्छी सी प्लेस ढूंढी है जहाँ पे हम रुक सकें और पिकनिक भी कर सकें और बच्चे खा पी सकें, हम इन्जॉय कर सकें। हमें बारबेक्यू करना था और आई टुक लॉट्स ऑफ स्टफ विद मी। तो एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे हम रुके, वहाँ पे ज़रा सनी सा भी था। अच्छा, अब फिर मैं चीज़ें निकाल के सबको दे रही थी कि एवरीवन हैज़ टू कैरी वन वन बैग, और हम उसको वहाँ पे थोड़ा सा दूर जाकर हमें अपनी चीज़ें रखनी थी और हमें गाड़ी जो है वो एक पार्किंग प्लेस पे पार्क करनी थी। सो सब चीज़ें हम ले आए थे, और ये मैंने दो प्लास्टिक की टेबल्स हैं जो कि यूज़फुल हैं, लाइट वेट भी हैं, और गाड़ी का ट्रंक इतना बड़ा है मैं इजीली कैरी कर लेती हूँ। अच्छा, ये पिकनिक मैट है जो कि प्रॉपरली पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। इसका होल्डिंग हैंडल भी है, और इसको फोल्ड करने के बाद चिप ऑन के साथ हम फोल्ड कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। इसके नीचे इंसुलेशन शीट लगी हुई है और इसके ऊपर का फैब्रिक भी थिक है, और जैसे कि ग्रास पे हम ऑफ कोर्स बैठते हैं तो हमें ग्रास चुभे नहीं, तो ये बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और फिर दूसरी साइड पे, जो कि मैं पहले भी मैंने बताया कि मैं एक शीट नीचे बिछाती हूँ, सॉर्ट ऑफ ब्लैंकेट, और उसके ऊपर मैं एक शीट बिछाती हूँ और फिर बर्तन रखती हूँ। तो वैसे तो मैं पिकनिक मैट के ऊपर रख देती, बट everyone wanted to sit, और वो रिलैक्स करना चाहते थे कि इसके ऊपर हम इस शीट पे बैठेंगे जो कि ये शीट है। अच्छा, ये शीट भी मेरी फ्रेंड ने ही बनाई है, और अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आपको वहाँ से सारी डिटेल्स, प्राइस, एवरीथिंग मिल जाएगी। ये बहुत यूज़फुल है। और फिर ये टेबल्स भी मैंने निकाल के रखी थी कि ग्रास वगैरह पे समटाइम्स कोई ना कोई इंसेक्ट आ जाता है जब हम खाने की चीज़ें रखते हैं, तो फिर बच्चे जो है ना, जो सर्विंग डिशेस होती है ना, वो टेबल पे उठा के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि मैं प्रॉपरली जो है वो प्लेट्स लगा दूँ और सब प्रॉपरली बैठ कर खाएँ, बट बच्चे तो इन्जॉय करना चाहते थे, सब बच्चे इधर उधर चले गए। और अब ये वाले मेरे रनर्स हैं जो कि पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, और ये भी मेरी उन्हीं फ्रेंड ने ही बनाए हैं, और उनका नाम मारिया है, एंड ये भी मैंने उनसे ही लिए हैं। काफ़ी टाइम से ही मेरे पास चल रहे हैं, कोई 3-5 साल से, और मैं हमेशा इनको यूज़ करती हूँ। फिर अब ये देखें, जिन बॉटल्स के अंदर आइस बनाई हुई थी मैंने, साइड पे मैंने जूस डाला है, और आइस क्यूब्स डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जूस भी ठंडा हो जाएगा। और इन्हीं बॉटल्स के अंदर मैंने ड्रिंक्स को भी ऐड कर दिया था, सॉफ्ट ड्रिंक को भी, मैंने फूड आइटम्स भी रख दिए, सैंडविचेस लेके गई थी, और इसके अलावा मैं कुकीज़ मैंने बनाई हुई थी, कुकीज़ लेके गई। फिर हमने कुछ थोड़ी सी कुकिंग वहाँ पे भी की थी, हम उसके लिए एक छोटा सा सिलेंडर भी साथ लेके गए थे। अच्छा, ये सिलेंडर जो है ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा सिलेंडर लेके जाती थी, और क्या इस तरह से करते थे, कैंपिंग करते थे, पिकनिक करते थे, और लेकिन अब एक मरी में प्लेस है, प्रॉपर कैंपिंग की प्लेस है, और वहाँ पे कैंप्स भी लगे हुए होते हैं, और उन्होंने बारबेक्यू के लिए ग्रिल भी रखी हुई है। तो अब अगर हम उस प्लेस पे जब कभी जाते हैं ना, तो हम तब फिर सिलेंडर साथ लेके नहीं जाते। अच्छा, जो सिलेंडर है ना, इसके अंदर बस मैंने थोड़ी सी ही गैस थी,
फुल गैस के साथ ही लेके गए, बिकॉज हम डर भी लगता है, डेंजरस भी होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ जो हमने कुकिंग करनी थी, और यहाँ पे एक स्क्विरल आ गई, और ये बहुत ही प्यारी सी थी, छोटी सी, और इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। एंड दिस स्क्विरल वाज सो क्लेवर कि उसको पता था कि मैं उसके पीछे पीछे आ रही हूँ और उसको मैं फोकस कर रही हूँ। एंड व्हाट डिड शी स्टार्टेड डूइंग, शी स्टार्टेड ईटिंग फूड। उसने कुछ भी उठा के प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि वो हमारे खाने पे नहीं आ रही, वो तो अपना खाना खा रही है, और शी वाज सो क्यूट। तो यहाँ पे अब ये मेरे पास एक बैग है, इसके अंदर मैंने रख ली थी अपनी स्पाइसेस भी, ऑयल मैंने रख लिया था अपना, और मैंने थोड़ा सा जो है वो चिकन कढ़ाई भी बनाई थी, और उसके बाद हमने बारबेक्यू भी किया था, उसके लिए मैंने छोटी सी ग्रिल भी रखी थी। तो अब चूंकि इतने सारे काम मैं भी इन्जॉय करने के लिए गई हुई थी, तो इतने सारे काम करने के बाद जो है वो मैंने और बाकी चीज़ों को कैप्चर नहीं किया, बिकॉज जो कुकिंग थी मैं चाहती थी बस मैं इन्जॉय करूँ, मैं भी बैठकर इसको खाऊं और खूब इन्जॉय करूं। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सबने मज़े से बैठकर खाया था, बट बच्चे प्रॉपरली नहीं बैठे थे, आते जाते बच्चे खा रहे थे चीज़ें उठा के, एंड इट वॉज फन having such a nice picnic। और यहाँ पे अब वो मैं अपना एक पॉट भी लेकर गई हुई थी, जो कि मैं अपने पॉट होल्डर में रखती हूँ, ये भी मेरी उन्हीं फ्रेंड ने बनाया था। अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की है ना पिकनिक से रिलेटेड, जैसे मैट है, आइस कूलर है या कुछ और, तो आपको उनकी अगर डिटेल्स चाहिए होंगी मैं उनका आपको सेपरेटली रिव्यूज़ ज़रूर दूँगी, और हर एक की सेपरेट वीडियोज़ बनाकर क्विकली आपको बताऊँगी। तो अब यहाँ पे हम फिर वहाँ से जब निकले, तो आगे जब हम गए थे तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, और भी ज़्यादा हो रहा था अयूबिया की तरफ, और नथिया गली के रास्ते में और अयूबिया के रास्ते में मंकीज़ काफ़ी आते हैं, लोग उनको डिफरेंट चीज़ें भी रुक कर खिलाते हैं, छली वगैरह, तो मज़े से वो खाते हैं और लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। अब यहाँ पे हम अपने होटल के करीब पहुँच चुके थे जिस मेस में हमने स्टे करना था, एंड इट वाज रियली रियली वेरी ऑसम मेस, और बहुत अच्छा उसका व्यू था, बहुत खूबसूरत था, और हमें जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था, लाइक शाम हो गई थी, और हमने चूँकि ऑफकोर्स रास्ते में हम रुके थे और काफ़ी टाइम हमें रास्ते में लगा था, फिर चीज़ों को समेटने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए हम शाम में पहुँचे और रूम में हमने जब स्टे किया और वहाँ पे हम फ्रेश अप हुए, तो दिस इज़ दी मेस जहाँ पे हमने स्टे किया था, और हमें रूम जो है वो स्टैंडर्ड रूम ही मिला था, बिकॉज हॉलीडेज़ में ना बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है, तो ऑलरेडी काफ़ी लोग करवा के रखते हैं, तो हमें बस अचानक से रूम चाहिए था और एक मिल गया, तो वी वर हैप्पी विद दैट रूम। तो उसके सामने जो है ना वो हमारा काफ़ी अच्छा व्यू था, एंड रास्ते में हम जब रुके थे उसके बाद मोहित ने चेंज भी किया, और मोहित ने 2 से 3 दफ़ा चेंज किया, मोहित को आई डोंट नो कुछ देर के बाद कपड़े चेंज करने होते हैं, वो कहते हैं ये कपड़े मुझे अब इरिटेट कर रहे हैं, कभी शर्ट चेंज करते हैं, कभी शॉर्ट्स चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ सामान जो है वो अंदर रूम में भी लाकर रखना था, जो कि इन बास्केट्स के अंदर था, खाने पीने का भी था, जूसेस वगैरह थे, तो वो हमने गाड़ी के अंदर नहीं रखे, उनको नहीं छोड़ा, बिकॉज गाड़ी में चीज़ें फिर बड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे रूम के सामने से जो व्यू आ रहा था, इट वॉज़ सो गुड, मौसम इतना अच्छा था, और ठंड लगना शुरू हो गई थी रात में जब डार्क हो गया था, और
बच्चे लेकिन जब पहुंचे तो बच्चे कहते हैं नहीं यहाँ पे ठंडा तो नहीं है, गर्मी है, लेकिन क्योंकि हमारे हम गर्मी के वेदर में से गए थे, थोड़ी देर के बाद वहाँ का हमें मौसम जो है ना हमें हम उस पर एडजस्ट होते हैं, तो वहाँ का मौसम है तो ठंडा ही। और फिर जब हम वहाँ गए थे ना तो हमने रात में मेस का खाना खाया था, और यहाँ पे जाते साथ मैंने वॉशरूम में टॉयलेट सैनिटाइज़र यूज़ कर दिया था, उसके बाद सब ने वॉशरूम यूज़ किया। फिर नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने और बच्चों ने और वकार ने नमाज पढ़ी, और इसके बाद शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया, और अब हमारा खाना उन्होंने कहा था कि हम खाना कहाँ लगाएं, तो ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि व्यू में ही खाना खाएं, इतने खूबसूरत व्यू में। और ट्रस्ट मी, हम तो इस व्यू में खाना खाने के बाद भी बैठे रहे, और रात के 3 बज गए थे जब तक कि हम बैठे रहे, और मैं तो सुबह तक जागती रही थी जब तक कि सुबह हुई, और हल्की हल्की बल्कि सुबह में बारिश भी होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे अब मेरी फैमिली नीचे चली गई थी और मैं ऊपर से सबको कैप्चर कर रही थी। द वेदर वॉज ऑसम। मेरा तो वहाँ से वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। और वहाँ पे हमने खाना ऑर्डर जो किया था उसमें हमने बिरयानी मंगवाई थी, और हमने लाइव बारबेक्यू था वहाँ पे, तो बारबेक्यू ऑर्डर किया हुआ था, एंड उसके साथ में सलाद चटनी, और मज़े से हमने फिर खाना खाया। तो पहले तो हमने यहाँ पे गार्डन साइड पे टेबल उन्होंने हमारे लिए लगाई थी, बट हमने टेबल को मूव करवा दिया था बिल्कुल व्यू की फ्रंट साइड पे। जब भी कभी मैं ऐसी प्लेस पे जाती हूँ ना, नेचर को देखती हूँ और उसको इंजॉय करती हूँ, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ, सारी चीज़ें भुला देती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वट एवर, तो बस मैं, और फिर मेरे माइंड में आता है कि लाइफ इतनी खूबसूरत है ना कि हम उसको लिमिटेड करके भी अगर गुजारें ना तो बहुत अच्छी तरीके से गुजर सकती है। तो अब यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, बिरयानी वाज वेरी 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 डिलिशियस, सैलेड मज़े का था, रायता था, और बारबेक्यू वाज ऑसम, बहुत ही मज़े का था। अच्छा, अब बिजली भी गरज रही थी यहाँ पे, काफ़ी बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, और मैं जो वीडियो बना रही थी ना, बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, अच्छा ऐसे मत करें, वैसे ना करें, मत बनाएं, और तो हम उसको इन्जॉय भी कर रहे थे, तो बच्चे मेरे साथ काफ़ी मजाक करते हैं, बट जॉब इज़ जॉब, तो जॉब तो करनी होती है। सो अब यहाँ पे हमने फिर जब खाना खाया मज़े से, मैंने बहुत इन्जॉय किया हर एक चीज़ को, और मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं घर वापस आऊँ, और मैं सोच रही थी कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं इन मोमेंट्स को ना बस कैप्चर कर लूँ, इस वेदर को मैं पैक करके ले जाऊँ अपने साथ, तो खैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तो हम ऐसी प्लेसेस पे जाते रहें, इजीली इंजॉय करते रहें, आमीन। और यहाँ पे मैंने रात का मंज़र भी दिखाया जब बिजली गरज रही थी और मौसम अच्छा हो रहा था। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बहुत ही हैवी किस्म की रेन होगी, बट बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, कम कम हुई थी। और अब यहाँ पे खाना खाने के बाद जब जितनी देर में हमने खाना खाया था ना, बच्चों को ठंड लगना शुरू हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने भी अपने पहनने के लिए एक और शर्ट मंगवा ली थी, मोहित ने सबसे पहले अपनी शर्ट जाके चेंज की, फुल स्लीव शर्ट पहनी, फिर ब्लैंकेट मंगवाया, फिर हमें ठंड लग रही थी, हमने चाय भी वहाँ पे ऑर्डर की, सब ने चाय पी, बच्चों ने भी, मैंने भी, और फिर नूरुल हसन को, मरियम को ठंड लगना शुरू हुई और उन्होंने भी ब्लैंकेट ओढ़ना शुरू कर दिए। फिर हम सब चूँकि सारी रात बैठे रहे और इस व्यू को एंजॉय करते रहे, तो हमने सब ने फिर ब्लैंकेट्स यूज़ किए, और जो ब्लैंकेट्स मैंने अपनी गाड़ी में रखे होते हैं वो हमारे काम आए, यूज़फुल रहे हमारे लिए। और ये जो टॉयज़ नज़र आ गए हैं ना, मोहित जब भी किसी न्यू प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे मोहित ने
एक शॉपिंग ज़रूर करनी होती है, और उन्होंने वहाँ से शॉपिंग की थी, टॉयज़ लिए थे। और यहाँ पे अब चूँकि ग्राउंड इतना अच्छा था, खाना खाने के बाद मैंने वॉक भी की थी, मुझे मज़ा भी बहुत आया था वहाँ पे, और बच्चे मज़े से खेल रहे थे एंड इट वाज ऑसम। फिर वहाँ पे बच्चे बैडमिंटन भी खेलते रहे, और इसके बाद हम सब ने बैठ कर लूडो खेली। और ये देखें यहाँ पे मरियम और मोनूर ब्लैंकेट में बैठे हुए हैं। फिर मोहित कुछ कुछ देर के बाद अनकंफर्टेबल होते थे, रूम में जाते थे थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करते थे। ऑफ कोर्स बच्चा है, थक गया था। फिर उसके बाद जब हम सब ने लूडो खेली, और बाकी सब ने लूडो खेली थी और मैंने सबको जो है वो सपोर्ट किया था, और सबको मैं देखती थी कौन कौन कैसे कैसे लूडो खेल रहा है। और जो मैं केटल साथ में लेके गई थी ना, मैंने फिर बनाया था कहवा सबके लिए, और हमने लूडो खेलने के साथ साथ कहवा भी पिया था। मज़े से हम सब के लिए कहवा बना, हमने इंजॉय किया, और पूरी रात हम बैठकर खेलते रहे 3-3:30 बजे तक। खैर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, बच्चों ने फजर की नमाज़ पढ़ी थी, और फजर की नमाज़ के बाद मैं दोबारा जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई थी ना, तो मैं बाहर आ गई थी और अपना ट्रैक सूट पहनकर मैंने जॉगिंग की थी। 2 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट मैंने जॉगिंग की थी, और फिर जाकर मैं कोई 1.5-2 घंटे के लिए मैंने रेस्ट किया था, और फिर मैंने सबको जगाया, उठे, इतना प्यारा मौसम है। और चूँकि हमें फिर चेकआउट करना था और वापस घर की तरफ आना था, तो मैंने कहा कि आप सब इन्जॉय कर लें इस खूबसूरत नेचर को, इतने प्यारे मौसम को, इतनी दूर हम मौसम को एंजॉय करने के लिए आए। रात में बादल जो उड़ रहे थे ना, कभी चांद जो था बादलों के पीछे छुपता था, कभी निकलता था, और फिर यहाँ पे अब जब सुबह हो गई तो मैंने वो सुबह का मंज़र आपको दिखाया है। बहुत खूबसूरत था, थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हुई, और उस हल्की सी ड्रिजलिंग के अंदर ही मैंने जॉगिंग की थी, अपनी वॉक की थी। उस टाइम पे ना सब लोग अपने रूम्स में सो रहे थे, कोई भी उठा हुआ नहीं था। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आना शुरू हुए थे, पर तब तक मैंने अपनी वॉक एंड अपनी जॉगिंग कर ली थी। एंड मेरे साथ नूरुल हसन ने भी सुबह के मौसम को एंजॉय किया, लेकिन वापसी पे ना नूरुल हसन की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ी तो नहीं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे रेस्टलेस थे, और नूरुल हसन आने की वजह से भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पूरी रात सोए नहीं थे, तो 2 रातों से नूर जाग रहे थे। तो फिर वापसी पे नूरुल हसन को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, और अब यहाँ पे जब मैं सुबह में उठी थी, मैंने चेंज किया थोड़ा सा, उसको कैप्चर किया, इन्होंने सीनरी बहुत खूबसूरत लगाई हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने उसको भी कैप्चर किया। और फिर हमने नाश्ता वहाँ पे ऑर्डर किया था, नाश्ता भी अच्छा था उनका। और नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे बैठे रहे, हमने इंजॉय किया, और उसके बाद हम ये कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना, तो हम इसी मेस में आएंगे, और जो रूम है वो हम पहले से बुक करवाएंगे, और टॉप फ्लोर पे करवाएंगे, व्यू वाले रूम को हम करवाएंगे, ताकि हम इंजॉय कर सकें इससे भी ज़्यादा। तो माशाल्लाह से नाश्ते का भी हमें मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी हमने कुछ वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, और वहाँ पे काफ़ी देर हम मौसम को एंजॉय करते रहे। रूम काफ़ी मैसी हो चुका था, और फिर बस पैकिंग हमने की और वापस आ गए। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको आइडियाज़ भी अच्छे लगे होंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।